ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। इस वक्त हमें रफी मार्ग पर मौजूद मालवलंकर हॉल में, जहां पर ग्लोबल कल्चरल सोसाइटी की तरफ से सुरीली यादें एक्सलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। ऐसी सुरीली शाम भला किसे मंत्रमुग्ध ना कर दे। 90 के दशक के गानों और इन गानों को गाने वालों का अंदाज कुछ ऐसा था कि दिल्ली के मालवंकर हॉल में बैठे श्रोताओं को ये सुरीली यादें लंबे समय तक याद रहेंगी। इस सुरीली शाम को सजाया है ग्लोबल कल्चरल सोसाइटी परिवार ने। मौका था ग्लोबल कल्चरल सोसाइटी की सिल्वर जुबली समारोह का। करीब 25 साल पहले बनी ये सोसाइटी आज एक परिवार बन गई है। ऐसा परिवार जिसके कई सदस्य अब यहाँ से जुड़े और आपस में रिश्तेदार भी बन गए। एक ही ड्रेस में बैठे इस परिवार के सदस्यों के लिए ये पल बेहद यादगार था। इस सोसाइटी ने संगीत की ये शाम उन लोगों के सम्मान में सजाई है जिनकी सेवा और योगदान के लिए उन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आज का कार्यक्रम मेनली हमारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, जिसमें हम बॉम्बे के कई अच्छे सिंगर समित कुमार और विपिन सचदेवा, पामेला जैन और इस तरह के कई अच्छे कलाकारों को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। इसमें छोटा भगवान के नाम से मशहूर जयेश शाह भी, जयेश कुमार, वो भी, उनका भी परफॉर्मेंस भी, और उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद भक्ति और फिर 90 के दशक के गानों की मस्ती की एक ऐसी शाम सजी कि दर्शक भी खुद को गुनगुनाने से नहीं रोक पाए। क्या बच्चे, क्या दर्शक और क्या सेलिब्रिटी, सबके लिए ये सुरीली यादें यादगार बन गई। आज से करीब 25 साल पहले बनी सदस्यों वाली इस सोसाइटी का गठन केवल आपसी मेलजोल के लिए नहीं हुआ, बल्कि इसका मकसद है अपनी भावी पीढ़ी को, अपनी संस्कृति को समाज सेवा से जोड़ना। दिल्ली के नजदीक बहादुरगढ़ में देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गौ अस्पताल भी इन्हीं सदस्यों के योगदान का हिस्सा है। क्या है इस सोसाइटी के गठन का मकसद और क्या है इनके कार्यकलाप, खुद इस परिवार के प्रमुख सदस्यों से ही सुनिए। कामधेनु मंगल परिवार के नाम से कामधेनु हॉस्पिटल ये बहादुरगढ़ बाईपास पे बनाया जा रहा है और इस संस्था के द्वारा वर्ल्ड का ये सबसे नंबर वन हॉस्पिटल होगा। इंडिया का तो फर्स्ट होगा ही होगा। ये फुली एसी होगा। जैसे हम अपनी माँ का इलाज करते हैं, ऐसे ही इसका ध्येय है कि हम अपनी गाय माता को माँ समान समझे, उसको पशु का दर्जा ना दें। जैसे बहुत से लोगों के गलतफहमी है कि गाय पशु है, वो उनकी 100% गलतफहमी है। वो गाय पशु नहीं है, वो जैसे हमारी माँ है ऐसे गायें भी हमारी माँ है। पिछले 25 वर्षों से ये सोसाइटी बनाई गई थी, कुछ परिवारों को जोड़ा था। आज वो परिवार आपस में एक दूसरे के संबंधी भी बन चुके हैं और एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। मेन आकर्षण जो है वो आज का, एक तो ये है कि भाई इस बहाने सभी लोग मिलते हैं, दूसरा जो हम लोग कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कल्चरल कार्य करते हैं, तो वो लोगों तक एक मैसेज पहुंचता है ताकि एक प्रेरणा की भावना जागृत हो कि परिवार इकट्ठे होकर किस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। इतने लंबे समय से इस सोसाइटी के लोग आपसी स्नेह और सेवा भाव से जिस तरह जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति और संस्कार संजोए हुए हैं, वो भी कम काबिले तारीफ नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर